नमस्कार दोस्तों दोस्तों जो आज 13 मार्च 2018 को राजस्थान पुलिस का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। और दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद करते जाइए क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी जो 7, 8 और 9 तारीख को एग्जाम लगा था वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मरु राष्ट्रीय अभयारण्य जो जैसलमेर में है। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ इसी अभयारण्य में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है जो जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। और यह अभयारण्य जो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन एवं राज्य पशु चिंगारा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा झालावाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17 से, यानी अस्पृश्यता का संबंध अनुच्छेद 17 से है। ध्यान रहे दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान भाग 3 में किया गया है और इसका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है। और याद रहे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार बचे हैं। और ध्यान रहे अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता से समानता के संबंध से है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पथरीली भूमि किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा राजसमंद एवं पाली जिले में। इसके दो आंसर है जो एग्जाम में ऑप्शन आया था वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 का महिला एशिया कप हॉकी किसने जीता था? तो इसका आंसर होगा भारत, यानी 2017 का महिला एशिया कप हॉकी भारत ने जीता था। ध्यान रहे यह टूर्नामेंट जापान में संपन्न हुआ था और भारत ने चीन को हराकर यह पुरस्कार जीता था, यह कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा जोजड़ी एवं सूकड़ी। ध्यान रहे दोस्तों लूणी का उद्गम स्थल नागपाट अजमेर से है, यानी नागपाट अजमेर से लूणी नदी निकलती है और यह राज्य के 6 जिलों में बहती है। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। यह पूर्णतः बरसाती नदी है। इसका जल जो अजमेर से लेकर बालोतरा बाड़मेर तक तो मीठा रहता है और बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पंचायती राज का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल का कितना गुना है? तो इसका आंसर होगा 17 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी बुनकर योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है 11 दिसंबर 2005 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा बिशलपुर बांध, यानी बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? इसका आंसर है बिशलपुर बांध। ध्यान रहे दोस्तों बनास नदी राजसमंद से कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। यह नदी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहकर सवाई माधोपुर के पास रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। दोस्तों यह नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी बनास नदी है। और ध्यान रहे इस नदी पर ही टोंक जिले में बिशलपुर बांध बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा राव चंद्र सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा कांसा में किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर होगा तांबा और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो दोस्तों ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो यह जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राणा प्रताप सागर बांध, जो चंबल नदी पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है? तो इसका आंसर होगा शम गांव, शम जैसलमेर। ये थे दोस्तों आज के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम में किसी भी स्टूडेंट की एग्जाम हो तो वो हमें कमेंट्स के द्वारा बताए और अपनी एग्जाम डेट और पारी जरूर बताए, ताकि उससे हम क्वेश्चन ले सकें। आप अपने नंबर कमेंट्स बॉक्स में डाल दें, उससे मैं कांटेक्ट कर लूँगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइबर्स करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो भविष्य में डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।